नागपुर में मामा की बारात में शामिल बालक को बारातियों द्वारा उड़ाए गए रुपए उठाने के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। पुलिस की जांच में इस आशय का पता चला। इसी बीच हुडगेश्वर पुलिस ने ट्रेवल्स बस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने नाबालिग सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 5 वर्षीय शुभम साजन काकड़े की KGN ट्रेवल्स की MH12Q1899 की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। शुभम परिजनों के साथ मामा की शादी में शामिल होने के लिए आया था। बारातियों द्वारा उड़ाए रुपए उठाने के लिए रोड डिवाइडर की दिशा में दौड़ा, तभी उमरेड़ की दिशा से बस आई। शुभम को अचानक दौड़ते हुए देखकर चालक ने बस का ब्रेक लगाया। बावजूद इसके बस के बाएं ओर स्थित बफर का धक्का लगने से शुभम जख्मी हो गया। सिर पर चोट लगने से शुभम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर उमरेड़ मार के कान्हा सेलिब्रेशन के सामने पार्शिवनी बारातियों द्वारा पिटाई गई जाने के भय से बस चालक सूरज कामड़ी भीवापुर भाग निकला। कुछ ही दूरी पर स्थित पांडव कॉलेज के सामने लोगों ने बस को रोककर पथराव किया। इस पथराव में बस का 1 लाख का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बस चालक की शिकायत पर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। काल दुपारी सुमारे 11:30 सुमारास हुडकेश्वर पोस्टी हद्दीमधील उमरेड रोडवरील कान्हा सेलिब्रेशन लॉल या ठिकाणी सालई मोकासा तालुका पारशिवनी या ठिकाणून एक लग्नाची वरात आलेली होती। त्या ठिकाणी सेलिब्रेशन हॉलसमोरच लग्नाची वरात रोडवरून येत असताना वरातीमधील काही लोकांनी पैसे उधळले आणि त्याच पैशाचे त्यातील एक नोट उचलण्याकरता एक त्याच वरातीमधला एक मुलगा शुभम साजन काकडे वय 5 वर्ष हा रोडकडे पळाला आणि त्याच वेळेस उमरेडकडून एक खाजगी ट्रॅव्हल्सची बस येत होती, त्या बसचा त्याला धक्का लागला, त्याच्या डोक्याला गंभीर जखम होऊन त्याला तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलं होतं, पण ओव्हर ब्लीडिंगमुळे अतिरक्तस्रावामुळे त्याचा तिथे मृत्यू झाला। सर, बसचा चालक सूरज कांबडी याला अटक करण्यात आलेली आहे।